चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं और वो गुज़िश्ता कई महीनों से जमान पार्क में ही मौजूद हैं। वो अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियां जमान पार्क से चला रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि पंजाब पुलिस के अफसरान ने रात के इस पहर में एक गैर मामूली मीटिंग बुलवाई है। इस मीटिंग की इतला पर तरीके इंसाफ में शुबा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी वजह से मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें तमाम कारकुनान को जमान पार पहुंचने की हिदायत की गई है, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इतलात हैं कि कठपुतली हुकूमत आज रात चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। और ये भी कहा गया कि तरीके इंसाफ के कारकुनान अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड IMF को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में जल्द ही गैस महंगी कर देंगे, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रहे हैं। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख की सरबराही में वफ्द ने मुज़ाकरात किए। IMF की तरफ से मिशन चीफ नाथन पोर्टर मुज़ाकरात में शरीक हुए। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द ने मुआशी सूरतेहाल के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने रवा साल के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई और IMF को सैलाब से मुतल्लिका मंसूबों पर उठने वाले अखराजात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने गैस की कीमतों में जल्द इजाफे के फैसले से भी आगाह किया। वफ्द ने बताया कि गैस की कीमतों में इजाफा 1 जुलाई 2022 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जल्द ही काबीना देगी। गैस के शोबे का गर्दशी कर्ज भी खत्म किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी मरहलावार बढ़ाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान रुपए की कदर में कमी को मसनूई तरीके से ना रोके, बिजली पर सब्सिडी भी खत्म की जाए, टैक्स का GDP तनासुब बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएँ, मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तस्ना भी खत्म किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF से प्रोग्राम बहाल करने पर इसरार किया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का अहदा 1 माह से ज़्यादा अरसे से खाली पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बारे में तहफ़ुज़ात के इजहार के बावजूद अभी तक इस अहम अहदे पर किसी शख्स को तैनात नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने टैक्स मामलों में एक मुकदमे की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर सवाल उठाया और कहा कि क्या हुकूमत इस तैनाती पर किसी से सौदेबाजी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 5,500 से ज़ायद वकील हैं और हुकूमत को इनमें से एक भी काबिल वकील नहीं मिल रहा है जिसे अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर तैनात किया जा सके। अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी आई कि अभी अदालत प्यार से कह रही है कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें और अटॉर्नी जनरल तैनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफवर्जी कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हम आपको ये भी बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स में आइनी और इंतजामी मामलों के अलावा बैरून ममालिक पाकिस्तान के बतौर रियासत मुकदमात की पैरवी और अदालतों की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी नागुजीर है। उन्हें मुल्क का चीफ लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त के अलावा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हिरासती मराकज़ और फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की तरफ से दायर की गई नज़रसानी की अपीलें भी ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद आइनी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हैं जिनमें पंजाब असम्बली के अरकान का पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ करके मुखालिफ पार्टी को वोट देने पर नाहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलें भी शामिल हैं। इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव का मामला भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है और इस मामले में भी अटॉर्नी जनरल के अलावा उनका कोई मातहत लॉ ऑफिसर पेश नहीं होता। अटॉर्नी जनरल अहम आइनी और दीगर अमूर में वफाक और हुकूमत वक्त की नुमाइंदगी करता है और हुकूमत का मौकफ अदालत में पेश करता है। बदकिस्मती रही है कि मेरिट के बजाय हुकूमत वक्त अपने मनपसंद अफराद को अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फाइज करती है, जबकि ये ओहदा इंतहाई अहमियत और जिम्मेदारी का मुतकाजी है। अटॉर्नी जनरल की हैसियत एक कप्तान की होती है और जिस टीम का कप्तान ही ना हो वो टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान सीता वाइट केस में नाअहल हो सकते हैं और उनके खिलाफ ये केस किसकी जानिब से दायर किया गया है और अब तक की अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सीता वाइट कौन है। 2004 में अमेरिका में मुकीम 43 साल बरतानवी सीता वाइट की मौत हुई तो बरतानवी अखबार द मिरर और अमरीकी अखबार
दी न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान की गर्लफ्रेंड थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीता के यहाँ बेटी टैरन वाइट पैदा हुई, जिनके हवाले से दावा किया गया कि वो इमरान खान की बेटी हैं। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सीता वाइट की मौत कैलिफोर्निया में सांता मोनिका की योगा क्लास के दौरान हुई थी, जो ब्योरले हिल्स में उनके शानदार मकान के करीब वाक़े था। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत से सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही उन्हें 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अपने मरहूम बाप की जायदाद से एक तस्फीहा के जरिए $3 मिलियन की रकम मिली थी। सीता वाइट एक योगा स्टूडियो में कदीम वर्जिशों और रूहानी मशकों की तालीम दिया करती थी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से टैरियन वाइट की मुबैना वल्दियत कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर उनके खिलाफ नाहली से मुतलिक दरखास्त की समाअत में इमरान खान को 27 जनवरी तक अबूरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। याद रहे कि फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ज़मन में दायर होने वाली एक दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने का लगभग गुज़िश्ता 5 माह से जायजा ले रही है। जुमेरात के रोज होने वाली समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मौक्कल इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए अबूरी जवाब की कॉपी दरखास्त गुजार को भी दें। इस केस की गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत के दौरान एक और पेशरफ्त ये सामने आई कि पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट पहली मरतबा दरखास्त गुजार के वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए। याद रहे कि सलमान असलम भट्ट साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के दौर में अटॉर्नी जनरल थे, जबकि माजी में वो शरीफ फैमिली के टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की भी मुख्तलिफ अदालतों में पैरवी करते रहे हैं। जुमेरात को इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज उठाया गया था कि इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए इब्तदाई जवाब पर उनके अंगूठे का निशान नहीं है। इमरान खान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि उनके मौक्कल के अंगूठे का निशान लेने के लिए 2 हफ्ते दिए जाएं, क्योंकि उनके बकौल इमरान खान की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। इमरान खान के वकील की इस बात पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि आजकल के दौर में अंगूठों का निशान लेना कौन सा मसला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आजकल तो मुल्क के हर हिस्से में मोबाइल सिम हासिल करने वाली दुकानों पर बायोमेट्रिक बआसानी हो जाती है और बायोमेट्रिक मशीन से एक रसीद निकलती है जिसे दरखास्त के साथ लगा दें। अब इन तमाम अदालती समातों के बीच ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के अरूज पर इस मामले को असर नौ क्यों उठाया जा रहा है। बज़ाहिर देखा जाए तो इस केस में कानूनी पेचीदगियां कम और सियासी पेचीदगियां ज्यादा हैं। बदकिस्मती से सियासी मकासद कानून की आड़ में हासिल किए जाने की कोशिशें एक बार फिर से की जा रही हैं। अमूमी तौर पर ऐसी बातें अदालतों में नहीं आनी चाहिए और ना ही अदालतों को जाती मामलात में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना खुद अदालतों के लिए भी नेकनामी नहीं लेकर आता। मुल्क में जारी सियासी तनाव में हो सकता है कि इमरान खान इस मामले में नाहल हो जाए, लेकिन उन्हें सियासी तौर पर किसी तौर खत्म नहीं किया जा सकता। इंतजामी और अदालती फैसलों से तो हो सकता है कि इसका कोई सियासी फायदा उठाया जाए, लेकिन इमरान खान के हिमायती इस फैसले को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जिस तरह साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ को नाहल किया गया, लेकिन इस फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिमायतियों ने आज तक तस्लीम नहीं किया। सन 50 की दहाई में भी सियासतदानों को नाहल करार दिया गया, लेकिन ऐसे सियासतदानों को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान में अदलिया का किरदार भी मुतनाज़े रहा है और अब ये तमाम तर जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर है कि वो इस बारे में कानून साजी करे या कोई ऐसा तरीकाकार वजा करे जिस पर अमल दरामद करते हुए सियासतदान एक दूसरे की मुखालिफत और सियासी मफाद हासिल करने के लिए अदालतों या किसी इदारे की तरफ ना देखें। कुछ लोग महज सियासी फायदा हासिल करने के लिए जाती मामलात को अदालतों में लेकर जा रहे हैं। रिजीम चेंज यानी इमरान खान को उनके ओहदे से हटाने के बाद जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे ऐसे हरबे इस्तेमाल करने वाले आवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लोग सियासी तौर पर बाशऊर हो चुके हैं और लोगों को बखूबी इल्म है कि ऐसी दरखास्तें कहाँ से आती हैं और ऐसे मामलात में दरखास्त गुजार कौन होता है। इस केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ दरखास्त देने वाला साजिद महमूद अभी तक इस दरखास्त पर जितनी भी समातें हो चुकी हैं उसमें पेश नहीं हुआ। जब उनके वकील से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि चूंकि वो दरखास्त गुजार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए दरखास्त गुजार का कमरा अदालत में हाजिर होना जरूरी नहीं है। अमरीका माजी में कई बार कह चुका है कि इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है और अमरीकी खारजा पॉलिसी में उसकी अपनी अहमियत है। एशिया, बहरुल काहिल के खित्ते में चीन और अमरीका अपने अपने तसल्लुत के लिए मगन हैं। इस लिहाज से भी इंडिया अमरीका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है।
माहरीन का ये भी मानना है कि एशिया पैसिफिक खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने में इंडिया का अहम किरदार है। अमरीका और चीन के दरमियान कई मामलात पर तनाव है, इनमें सबसे नुमाया ताइवान है। अमरीका ने वाजे किया है कि अगर चीन ने मुस्तकबिल में फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो वो ताइवान के साथ खड़ा होगा। जनवरी 2021 में उस वक्त के अमरीकी सफीर कैनेथ जेस्टर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बाइडन इंतजामिया ने 6 अफराद को अबूरी चार्ज सौंपा, लेकिन किसी को मुस्तकिल सफीर मुकर्रर नहीं किया। 700 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाना बगैर सफीर के चल रहा है। ये दोनों ममालिक की सफारती तारीख का तवील तरीन वक्त है। सर जंग के दौर में भी ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों का कहना है कि ये पैगाम भी जा रहा है कि नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाना आर्जी बुनियादों पर चल रहा है कि इस वक्त अमरीकी सरकार इंडिया को नजरअंदाज कर रही है, अगरचे ये मुकम्मल तौर पर सदर बाइडन की गलती नहीं है। वाज़ह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुलाई 2021 में लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गैरेस्टी को इंडिया में सफीर के तौर पर नामजद किया था, लेकिन एरिक गैरेस्टी के नाम की मंजूरी से मुतल्लिक होने वाली वोटिंग का अमल रोक दिया गया था। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने इल्जाम आयद किया था कि एरिक गैरेस्टी का उनके साथी के जिंसी इस्तेहसाल में नामुनासिब किरदार था। तब से एरिक की तकरारी रुकी हुई है। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से एरिक की मंजूरी फंसी हुई है। सेनेट में तकसीम शुदा मैंडेट के साथ बहुत सारे काम अभी जेरे इल्तवा हैं। किसी भी तजवीज पर इत्तफाके राय नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त अमरीका की सारी तवज्जो यूक्रेन में रूस पर हमले पर मरकूज है। जो बाइडेन इंतजामिया एरिक को सेनेट से मंजूर करवा सकती है। दिसंबर में व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। रवा बरस जनवरी में एरिक को जो बाइडेन इंतजामिया ने दोबारा इंडिया में सफीर के तौर पर नामजद किया था। तकरीबन 2 साल से नई दिल्ली में कोई अमरीकी सफीर नहीं है। जो मसाइल सफारतखाने की सतह पर हल हो सकते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़राए खारजा को उठाना पड़े। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता बरस 27 सितंबर को जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीजे का मसला उठाया था। सर्द मौसम के दौरान बाहर घूमते हुए कभी कभार हम अपनी सांस को देखने के काबिल हो जाते हैं, मगर ऐसा मौसम बहार या गर्मा में क्यों नहीं होता? इसका जवाब हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि जब आप सांस के जरिए पानी के बखारात खारिज करते हैं तो वो इर्द गिर्द मौजूद सर्द हवा से टकराकर पानी और बर्फ की नन्ही बूंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके नतीजे में सांस नजर आने लगती है, या यूं कह लें कि मुंह से धुआं खारिज होता नजर आता है। अब अगर इसकी वजाहत की जाए तो ये अमल सादा नहीं बल्कि काफी पेचीदा है। हम सबको मालूम है कि जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये गैस हमें सांस के जरिए हवा खींचकर हासिल होती है। ये ऑक्सीजन जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों में जाकर जिस्मानी अफाल को दुरुस्त रखने में मदद फराहम करती है, मगर हर सांस के साथ हम मुख्तलिफ गैसों को खारिज भी करते हैं और खारिज की जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड बुनियादी गैस होती है, मगर ये वाहिद गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन और पानी के बखारात की कुछ मिकदार को भी हम खारिज करते हैं। हमारे जिस्म का लगभग 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और जिस्म के मुतअद्दिद हयातियाती अफाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये बात हैरान कुन नहीं, हमारे बेशतर अंदरूनी आज़ा बशमूल फेफड़े मरतूब होते हैं। चूँकि फेफड़ों की बेशतर सरगर्मियाँ गैसों से जुड़ी हैं, जैसे ऑक्सीजन जज्ब करना, फिल्ट्रेशन और मुतअद्दिद गैसों का इखराज, तो जो सांस जिस्म से खारिज होती है उसमें बखारात की शक्ल में मखसूस मिकदार में पानी शामिल होता है। इसको आप आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं। अपने मुंह के सामने हाथों को कप की तरह शक्ल बनाकर चंद बार सांस लें, इसके बाद हाथों को एक दूसरे से रगड़ें। ऐसा करने से हथेली पर नमी महसूस होगी, जिसका मतलब ये है कि हर सांस खारिज होने से पानी के बखारात हथेली पर पहुंचे। जहां तक सर्द मौसम में सांस नजर आने की बात है तो ऐसा सांस में मौजूद नमी और सर्द हवा में मौजूद नमी के बाहमी ताल्लुक के नतीजे में होता है। हवा के इस तरह के दर्जा हरारत के लिए ड्यू पॉइंट या नुक्ता शबनम की इस्तला इस्तेमाल की जाती है। ये वो दर्जा हरारत होता है जिसमें आबी बखारात शबनम या ओस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप सांस से जो हवा खारिज करते हैं उसमें नमी की मिकदार ज्यादा होती है, जबकि इसका दर्जा हरारत बाहरी सर्द हवा के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसके नतीजे में खारिज की जाने वाली हवा में मौजूद पानी के बखारात की तवानाई बहुत तेजी से खत्म होती है और तेजी से हरकत करने की बजाय पानी के बखारात में मौजूद गैस मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर सुस्त रवि से नीचे की जानिब गिरते हैं
और स्याल पानी की नन्ही बूंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो इस तरह हमें मुंह से धुआं निकलता नजर आता है। अलबत्ता ये धुआं गर्म दिनों में नादीदा होता है, क्योंकि बाहरी गर्म हवा पानी के बखारात को मुनासिब तवानाई फराहम करती है, यानी गर्म दिन में मुंह से धुआं खारिज करना नामुमकिन होता है, और सर्द मौसम में भी ये उसी वक्त मुमकिन है जब हवा में नमी या ड्यू पॉइंट की सतह ज्यादा हो। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आए, सर्दियों के खाबे खाएं, फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आए, सर्दियों के खाबे खाएं।